आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इट्स नॉट दैट का प्रयोग। तो एडवांस स्ट्रक्चर में इट्स नॉट दैट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, आज इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इट्स नॉट दैट का जो मतलब होता है वो होता है ऐसा नहीं है कि, या फिर ऐसी बात नहीं है कि, ये दोनों क्या होता है, इसका हिंदी होता है। तो इसका प्रयोग आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, जैसे ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है ना। ऐसे जो आप बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं तो उसको आप लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो आज की इस वीडियो में वही बताने वाला हूं। तो देखिए, इट्स नॉट दैट का प्रयोग, तो सबसे पहले इसका हिंदी लिख लीजिएगा, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट। इसका जो हिंदी मीनिंग क्या होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि, एक तो ये हो गया इसका, और दूसरा क्या होता है हिंदी मीनिंग, दूसरा हिंदी मीनिंग होता है इसका, ऐसी बात, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये क्या हो गया इसका, दूसरा हिंदी हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर है। इट्स नॉट दैट का हिंदी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं है कि, या फिर ऐसी बात नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका फॉर्मूला, वो देखते हैं। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला होता है इसका, इट्स नॉट दैट, उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा उसको, जो जैसा सेंटेंस होगा, जो टेंस में होगा उसको उसी टेंस में रखना है। ये हो गया पहला। उसके बाद भी अगर अगर कोई वाक्य आ रहा है तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, अगर आ रहा है तो एनी सेंटेंस करके आप लिख लीजिएगा, एनी सेंटेंस। अगर इसके बाद भी कोई सेंटेंस है, सेंटेंस अगर काफी बड़ा है तो इसके बाद भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, पहला एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसका प्रयोग करना है। जैसे ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि, तो इट्स नॉट दैट, तो क्या हो जाएगा, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट। अब क्या है, मुझे उसकी चिंता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट वरी, वरी मतलब क्या होता है, चिंता, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट वरी, और उसके बारे में, या फिर उसकी, तो देखिए आई डोंट वरी, उसके बाद यहाँ पे अबाउट हर कर दिएगा तो ज्यादा अच्छा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके बारे में है ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है, तो आई डोंट वरी अबाउट, अबाउट लगाने से और ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है, और ज्यादा फोकस पड़ेगा। तो इट्स नॉट दैट आई डोंट वरी अबाउट हर, ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स नॉट दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल मैं क्या बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो चलिए अब इसको देखते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे उसके बारे में, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो ऐसा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट्स नॉट दैट, तो इट्स नॉट दैट, यहां तक का ट्रांसलेशन बन गया, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट
आई डोंट या फिर डू नॉट भी कर सकते हैं, आई डो नॉट नो, मुझे पता नहीं है। उसके बाद कुछ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनीथिंग, तो आई डोंट नो एनी थिंग उसके बारे में, तो क्या हो जाएगा अबाउट हर। यहाँ पे आप हिम भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको आप इंडिकेट कर रहे हैं, अगर वो लड़की है तो हर यूज करिए, लड़का है तो हिम कर दीजिए, ठीक है। तो ये बात आप पे डिपेंड करता है। अगला देखते हैं, जैसे ऐसा ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, है ना, ऐसी बात नहीं है, तो लिखिए ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें या तुमसे तुमसे प्यार नहीं करता। तो क्या हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट्स नॉट दैट, तो हो जाएगा इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट, यहां तक बन गया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू, तो पूरा क्या बन गया, इट्स नॉट दैट आई डोंट लव यू, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एक एग्जांपल और, जैसे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे गाँव ऐसा नहीं है कि मुझे गाँव यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि मुझे गाँव पसंद नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे गाँव पसंद नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट, यहाँ तक बन गया, मुझे गाँव पसंद नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक विलेज। तो पूरा ट्रांसलेशन क्या बन गया, ऐसा नहीं है कि मुझे गांव पसंद नहीं है, तो इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक विलेज। तो आप जब भी आप किसी को बोलना चाहेंगे, आप इजीली बोल पाएंगे कि ऐसा नहीं है या फिर ऐसी बात नहीं है, तो आप इजीली बोल पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, इसके बाद भी आप बहुत सारा सेंटेंस इसके साथ ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एनी सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके मन में कोई सेंटेंस है इसके बाद भी, तो आप उसको ऐड करिए और घर पे बना के प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट आता है आप नीचे कमेंट करिएगा, आपके डाउट का सोल्यूशन मैं दूंगा। तो प्लीज कमेंट करके जाइएगा, आपके कमेंट का 100% रिप्लाई मिलेगा, ये गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो करिए और इस फैमिली का एक मेंबर बनिए, और इंग्लिश सीखिए और मैथ सीखिए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।